नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कल के स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इंटरेस्टिंग रेसिपी जिसका नाम है तिरंगा मफिन्स। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ये। सबसे पहले हमें एक मसाला बना लेना है जिसे हम गन पाउडर भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच तेल गरम किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबल स्पून तिल डाले हैं। सफ़ेद तिल यूज़ किए हैं मैंने यहाँ पे। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये स्लाइटली ब्राउन कलर ना आ जाए इनका। तो जैसे ही थोड़े ब्राउन हो जाएंगे मैं इसे निकाल लूँगी एक मिक्सर ग्राइंडर में। तो हम सारे ये तिल को निकाल लेंगे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। अब इसके बाद वापस मैं इसी पैन में 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी। उसी में मैंने 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, साबुत लाल मिर्च है ये। तो इन्हें हम थोड़े 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। उसके बाद मैं इसमें 7 से 8 करी लीव्स डालूंगी और इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे तब तक जब तक ये करी लीव्स जो है करी पत्ता वो अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हो इस स्टेज पे मैं इन सबको निकालूंगी मिक्सर ग्राइंडर में। तो हम ये भी सारा इसमें डाल देंगे। अब वापस वही पैन में मैंने 2 टेबलस्पून उड़द की दाल ली है और 2 टेबलस्पून चने की दाल ली है। इन दोनों दालों को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक ये भी थोड़े ब्राउन ना हो जाए और इसका एक अरोमा आना चालू ना हो जाए दाल का। तो जैसे ये रोस्ट हो जाएंगे हम सारे दाल को इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे। ये सब डालने के बाद इसे हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे, और ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एकदम बारीक पाउडर कर लेनी है हमें। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा ऑरेंज कलर आया है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब ग्रीन कलर का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च ली है। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा ऐड करूँगी, 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 से 2 चम्मच शुगर या चीनी आप इसमें डाल सकते हो। तो ये सब डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इंस्टेंट रवा का बैटर बना लिया है। इसमें मैंने 1 कप रवा, 1 कप दही और 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया है। इन सबको हम मैंने 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही रख दिया था। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट यानी अपना इनो जो आता है वो पूरा एक पैकेट में इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैं और 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। तो मैंने 2 अलग बाउल लिए हैं, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा ये बैटर ऐड करूँगी। उसमें से मैंने 1 बाउल में ये जो हमने हरी चटनी बनाई थी पुदीने की ये इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। तो हमारा ये एक बैटर रेडी हो चुका है। अब दूसरे बैटर में मैंने ये जो गन पाउडर बनाई है वो मैं इसमें डालूंगी और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा दूसरा बैटर भी रेडी हो चुका है। तो इसको अच्छा कलर आने के लिए मैंने और इसमें थोड़ी सी पाउडर ऐड कर ली है। अब मेरे पास ये मफिन के मोल्ड्स है, इसको मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच ये ग्रीन मिक्सचर डालूंगी बेस में, और ये ग्रीन मिक्सचर इसमें डालने के बाद मैंने कढ़ाई गरम की है जिसमें मैंने पानी ऑलरेडी बॉईल करने रख दिया था। उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा है और एक प्लेट रखी है, उसके ऊपर मैं ये मफिन्स डाल के 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे कुक करूँगी। ये थोड़े से पकने के बाद इसे हम बाहर निकाल के इसके ऊपर हम लोग ये जो वाइट बैटर है प्लेन रवा ढोकले का बैटर वो मैं इसमें डालूँगी, और इसे अच्छे से सेट करके हम वापस कढ़ाई में 2 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। अब ये भी लेयर कुक होने के बाद मैं इसमें हमारा फाइनल लेयर जो है गन पाउडर का लेयर वो उसमें पूरा भर के हम इसमें डाल देंगे। अब ये मफिन्स हमारे रेडी हो चुके हैं फिल करके। अब इसे वापस हम कढ़ाई में रख के 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए, हम इसे कुक कर लेंगे। इसके बाद ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाने चाहिए रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद ही ये अच्छे से डीमोल्ड हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो कितने सुंदर दिख रहे हैं ये मफिन्स।
तीनों भी लेयर्स अच्छे से दिख रहे हैं और तीनों भी कलर्स बहुत ही ब्राइट दिख रहे हैं कुक होने के बाद। तो आप इसके ऊपर हम तड़का दे लगा देंगे। तड़के में मैंने बस एक चम्मच तेल, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, थोड़े से तिल और करी लीव्स, ये सब मैंने ऑयल में अच्छे से क्रैकल होने तक कुक किया है और इसके ऊपर हम इसे डाल देंगे। तो ये लीजिए, ये स्पेशल डिश है इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी कलरफुल है, कलरफुल के साथ काफ़ी हेल्दी भी है और ये इंस्टेंटली बन जाती है, तो काफ़ी सिंपल है। तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।